तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग, और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग पर एक लाइव ऑफिस रिपोर्ट आपके साथ ऑटोमेट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली मेरे पास दो रिपोर्ट है, एक है एक ये हमारा डेटा आ गया और दूसरा एक अनलोड का डेटा है, राइट सर। अब इसमें क्या है कि जो अनलोड का जो पार्ट नंबर है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, अनलोड का जो पार्ट नंबर है, ये पार्ट नंबर आपके कार्बन का आइटम नंबर, इसका अनलोड का कार्बन नंबर है, पार्ट एक क्या बोलते हैं उसको, आइटम नंबर, ठीक है। अब क्या है कि इसमें मुझे इसका इसके पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग डिटेल ये करना है, सम करना है मुझे पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग, जो पार्ट नंबर है इस पार्ट नंबर के अकॉर्डिंग एक समरी क्रिएट करना है, लेकिन मुझे जो सम लेना है वो सम लेना है अनलोड के सीट का ए पी एस आर वी क्वांटिटी, राइट सर। मतलब कि अगर मैं मैनुअल करूं तो क्या करना होगा कि मैं सबसे पहले इसको इसके पार्ट नंबर को उठाऊंगा और यहाँ पेस्ट करूंगा, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ डेटा में रिमूव डुप्लीकेट करूंगा, क्या करूंगा, रिमूव डुप्लीकेट, राइट। और फिर अब मुझे चाहिए डेट वाइज डेटा, और फिर मैं अपने डेट्स में जाऊंगा, जो डेट है इस, ये डेट भी कई बार रिपीटेड है, इसको भी मैं इसमें तो डेट एंड टाइम पहले लगा हुआ है, तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले तो इसमें की टाइम को हटाता हूँ, क्योंकि देखिए ना अलग अलग टाइम के है, यहाँ पे एक ही दिन के अलग अलग टाइम के, तो कैसे हटाएंगे, इंट का फॉर्मूला लगा के, इंट, ठीक है। और कॉपी करता हूं और यहां पे आके इसको पेस्ट वैल्यू करता हूं और इसको डिलीट कर देता हूं, और फिर इसमें मैं करता हूं डेटा में रिमूव डुप्लीकेट, और फिर इसको मैं यहां पे वर्टिकल लगता हूं। अब ये चीज नॉर्मल एक्सेल से हमें करना होता है, लेकिन मैनुअल करता हूं मैं, ये काम मैनुअल करने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि ऐसे उनके पास बहुत है। अब इसमें इसके अकॉर्डिंग वो चाहते हैं सम, इसके लिए लगाएंगे सम इफ्स, लगाते हैं सम इफ्स, हम जाते हैं अनलोड में, और अनलोड का जो हमारा क्या चाहिए, पीआरसी क्वांटिटी चाहिए, तो मुझे इसमें इसका टोटल चाहिए। क्राइटेरिया वन है कि ये जो हमारा आइटम नंबर है, और आइटम नंबर में मैच हमारा ए हो रहा है, और क्राइटेरिया वन रेंज, तो क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया टू है, अब यहाँ पे क्राइटेरिया टू रेंज पे आएंगे, क्राइटेरिया टू रेंज पे हमारा ए है कि इसका जो डेट है, यहाँ जो ये जो डेट है हमारा, इस डेट में, अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें टाइम है बहुत सारे, तो मैं यहां पे करता हूं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, हम सीट में अपना ए टाइम ले लेते हैं, तो वापस अनलोड में जाता हूं, वापस टाइम को लेता हूं और बोलता हूं कि लेस देन इक्वल टू, और कॉन्ग्रेनेट करता हूं, माने अगस्त, एक अगस्त से बड़ा या बराबर, या एक अगस्त से छोटा या बराबर, दोनों मिले तो एक ही अगस्त का आएगा, बीच में का टाइम आ जाएगा, वैल्यू आया है। अब वैल्यू क्यों आया एक बार देखता हूं, इसमें हमने कहीं पे एरर दिया है क्या, ये आपका क्वांटिटी को सम करना है, टेबल टू आइटम कोड और सीट टू आइटम, सीट आइटम ले लिया,
लोड आई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वी थ्री, ओके लोड आई लेस देन इक्वल टू वी थ्री जीरो, ठीक है, इसमें एरर क्यों है? तो यहाँ पे हमने सम सम इफ्स लगाया ना, सही। एक मिनट मैं इसको फॉर्मूला में एबलेट करता हूँ तो पता चलेगा कि क्या है। अनलोड का के से के 390 राइट, अनलोड का अब यही दिक्कत है कि टू से ही है ना, सी टू से, और यहाँ पे ओके ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। अच्छा मैं एक पार्ट हटाता हूँ तो क्या होगा, तो डेटा टेबल में इसको टेबल से हटाने दीजिए, टेबल में दिक्कत हो जाता है। कन्वर्ट रेंज वहाँ इसमें दिक्कत ये है, यहाँ 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 ये हमने सी टू सी का लिया हुआ है ना, और रेफरेंस में देख ही नहीं पाया, और यहाँ पे हमने एक तो एक ही जगह से होता है, एक हमने यहाँ पे डॉलर से मिलेगा, तो हमें के बाई के यहाँ पे पूरा मतलब कि एक रेंज सेम फॉर्मेट में होता है। अगर आपने पूरा कॉलम लिया है तो जितने भी फॉर्मूला के स्टेप्स होंगे सारे में आपको पूरा कॉलम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने रेंज ले रखा था और यहाँ पे हमने पूरा कॉलम ले रखा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। और इसका आगे डॉलर नहीं होगा, उसे पीछे डॉलर नहीं होगा, ठीक है। अब समझ में आया सर? हेलो रमेश जी। जी सर। सर मेरी तो वीवीए क्लास है और है आप ए, तो पहले हम जब तक उसको वीवीए के नॉर्मल एक्सेल के थ्रू नहीं देखेंगे कैसे होगा, तब तक वीवीए में करना मुश्किल है, ठीक है ना? जी सर। इसलिए वीवीए का पार्ट पहले करने से पहले उसको देखेंगे एक्सेल पे कैसे करेंगे, तभी आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ हमें वहां पे कैसे। जी सर। अब मैं इसको ड्रैग करके चेक करता हूँ कि रिजल्ट सही आ रहा है या गलत आ रहा है। सब में जीरो आ रहा है, मतलब कहीं पे रिजल्ट हमारा गलत हुआ है। लेस देन इक्वल टू, अच्छा इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें प्लस वन कर देते हैं। सेम डेट पर है तो तब आएगा सही। हाँ अब आया सही, मतलब कि आज के डेट से बड़ा और कल की बड़ा या बराबर कल के डेट से, देखिए सर। जी सर। अब प्रॉब्लम क्या है कि हर बार जो मेरे पास रिपोर्ट आती है उसमें पार्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, और इसमें जो है हमारे और डेट भी चेंज हो जाते हैं। सो मैं चाहता हूं इसको, ये हमारा एक्सेल फॉर्मूला मेथड हो गया, हम चाहते हैं इसको वीवीए मेथड के जरिए करना, राइट? जी सर। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इस
हमने जो एक्सेल मेथड जो इस्तेमाल किया ना वही मेथड यहां हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। तो पहले तो हमें डेटा बनाना पड़ेगा, तो फॉर्मेट हमने तैयार किया वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऑटो वन तो जाएगा सबसे पहले सीट ई के बी में, तो यहां पे शीट्स ईकेबी डॉट सेलेक्ट, ठीक है सर जी सर। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, सी कॉलम को कॉपी करते हैं, पूरे कॉलम को कॉपी करते हैं, रेंज सी के पूरा सी ले लेता हूं डॉट कॉपी, ठीक है। एक नई सीड ऐड करते हैं, सीड्स डॉट ऐड डॉट नेम, नेम के साथ इक्वल टू एस यू एम के नाम से, आरपी के रिपोर्ट के नाम से, और रेंज ए वन डॉट पेस्ट स्पेशल पेस्ट ऑल पेस्ट स्पेशल या पेस्ट वैल्यू कर देते सही रहेगा, फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आएगा। अब उसके बाद अभी क्या करेगा कि एक नया सीट ऐड करेगा और इसको कॉपी पेस्ट करेगा, जैसे मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूं, इसने पेस्ट कर दिया ना। अब इसको रिमूव डुप्लीकेट करना है, क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट, क्योंकि डेटा मेनू बार में हम करते हैं ना ये, ताकि सीक्वेंस यूनिक नंबर यहां पे आए। तो रिमूव डुप्लीकेट करने का कोड क्या हो, कोड हमने भी रिकॉर्ड कर लिया, ऐसे आप ले सकते हो लेकिन रिकॉर्ड से भी ले सकते हो, सिंपल सा आपके सामने है एक कोड है हमारा। लेकिन इसमें जो हमने रेंज दिया ना ए वन से 257 ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेंज तो बढ़ता करता रहता है ना, क्या सर जी सर। हाँ ये हमारा डुप्लीकेट है। अब हम जाएंगे अनलोड कॉलन में, अनलोड कॉलन में हम आई कॉलन को कॉपी करेंगे, तो हम जाएंगे शीट्स अनलोड डॉट सेलेक्ट डॉट यहां पे रेंज रेंज आई को पूरा कॉपी करेंगे डॉट कॉपी, और फिर आएंगे हम रेप कॉलम पे, सीट रैप पे, सीट्स रैप डॉट सेलेक्ट, और फिर इसको हम कॉलम बी में, हाँ बी रेंज बी, ऐसे इसका और भी मेथड है लेकिन सिंपल मेथड एक्सेल के साथ कंपेयरिंग करके दिखा रहा हूँ ना सर, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जैसे जैसे एक्सेल में हमने किया था उससे कर देते हैं, पर इसका बीवी में तो ये क्लियर है ना। राइट सर जी सर। अब यहाँ पे हम करना, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी हो गया पेस्ट वैल्यू,
तो ये क्या हुआ कि डेट को, जो डेट है हमारा, डेट है ना पूरा का पूरा, पूरा का पूरा डेट को यहाँ के बी में यहाँ पे कॉपी कर दिया, राइट। अब मुझे इसका क्या करना है, इसका टाइम अलग करना है, इसका टाइम अलग करना है और इसको रिमूव डुप्लीकेट करना है। तो हम इस तरीके से तो रिमूव डुप्लीकेट कर ही सकते हैं, राइट। लेकिन इसका एक और तरीका है, जो आपको ये जो मैंने बताया ना एक्टिव सीड आपका रिमूव हेडर, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक तरीका है। तो हम एक कॉपी वाला सिस्टम हटा देते हैं, राइट। तो ऊपर में एक वेरिएबल लेते हैं कि निम डीटी एज ए न्यू कलेक्शन, एक न्यू कलेक्शन डेटा टाइप लेते हैं और फिर यहां लूप चलाते कि फोर आई इक्वल टू चले चले वन ने टू, हाँ टू टू कहां तक रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो तक चले। ये हम बीवीए में तो क्या बी कॉलम का नहीं करना है डुप्लीकेशन, कोई बात नहीं ए कॉलम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए कॉलम में यूनिक है ना तो होगा उसमें, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ब्लैंक नहीं होगा। अब यहां पे हमें करना है डीटी डॉट एड, ठीक है ना। अब एड में हमें क्या करना है, आइटम, तो आइटम है हमारा रेंज इंट, माफ कीजिएगा इसको इंट में करते हैं, इंट क्योंकि इंटीजर कन्वर्ट होगा तभी तो, इंट रेंज ए के साथ आई, आई है ना आई के साथ, हमने यहां पे आई को, ये आई कॉलम है और ये आई लूप है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, और की में एस टी स्ट्रिंग करते हैं यहाँ पे एस टी सी एस टी आर, सी एस टी आर सेम फॉर्मेट देना होता है, सी एस टी आर ना देंगे मैं इंट कर इंट और इसमें ए रेंज जो है डॉट वैल्यू डाल देता हूँ, डाल के देखता हूँ, मतलब हमेशा मैं एस टी आर ही देता हूँ, तो एक फॉर्मेट देना होता है। ये समझ लीजिए ये जो न्यू कलेक्शन है ये सिर्फ जो है यूनिक वैल्यू को ही अपने साथ कंसीडर करता है, इसमें नहीं होगा माफ कीजिए ब्रैकेट नहीं होगा, एक्सपेक्टेड ब्रैकेट, अच्छा यहाँ ब्रैकेट एक्सपेक्टेड, दो दो बार इंट हो गया वो इसलिए ब्रैकेट मांग रहा है, तो ये क्या हुआ कि एक बार में वो एक ही वैल्यू को ऐड करेगा, अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगा तो एरर देगा, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऑन यहां पे एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और फिर यहां पे हम लूप लगाते हैं कि फोर एच आइटम इन डीटी और नेक्स्ट ये आपका एक फोर इंच आइटम है, फोर है, ये आपके बारे में हम बाद में बताएंगे, ठीक है, और इसमें हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो सिंपल सा यहां पे प्रिंट हो जाएगा, यहां पे एक कॉलम लेता हूं सी।